तो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा आप लोग अंत वीडियो तक देखिए, बने रहिए, ठीक करेगा। तो इस तरह से जो है विचार का समस्या, पठन का समस्या, लेखन का समस्या, गणना का समस्या, तनाव का, भ्रम का, गति का, यानी ये जो हमने जितना टी कोड किया, ये ऐसा विकार है, ऐसा ये समस्या है, ऐसा अयोग्यता है जिसमें प्रॉब्लम या समस्या होता है या अयोग्यता होता है। अब पहले हम विचार, तो विचार का समस्या है तो इसमें हमको दो चीज पढ़ना है, अफेजिया और ये डिसफेजिया। तो अफेजिया डिसफेजिया को हम लोग दिमाग में रखेंगे कि ये अफेजिया और डिसफेजिया है, ये कैसा विकार है, कैसा अयोग्यता है, तो ये विचार से संबंधित है। तो अफेजिया, तो अफेजिया ये फ हम देख रहे हैं, तो इसको जो हमारा है फ से हम फ्रेंड समझेंगे, फ्रेंड। तो फ्रेंड जब समझे तो फ्रेंड जया हो गया, फ्रेंड जया हो गया। तो जब फ्रेंड जया हो गया तो कहने का मतलब कि जब भी फ्रेंड जया है, कोई किसी का नाम है, तो फ्रेंड जया जो है उसको समझाएंगे कैसे, तो कोई भी फ्रेंड जो जया है उसके पास हम लोग भाषा और संप्रेषण का जो है वो काम करेंगे, उसमें अयोग्यता रहेगा। यानी फ्रेंड जया है उसको भाषा और संप्रेषण, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, तो ये दोनों जो समस्या है उसको विचार रहेगा, उसको जो है वो समस्या रहेगा, अक्षमता रहेगा। तो फ्रेंड जया का हम लोग किस चीज से याद रखेंगे, तो भाषा और संप्रेषण के विकार से। तो फ्रेंड जया हो गया, और फ्रेंड जिया, तो ये जया और जिया इसका ये सिस्टर हो गया, तो फ्रेंड जो जिया हो गया, फ्रेंड जिया, तो इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे कि ये भी तो विचार करेगा, ये भी कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, उससे संवाद करेंगे, तो ये लेकिन जो है फ्रेंड जिया इसमें मस्तिष्क में क्षति के कारण जो विचार में या भाषा संप्रेषण में जो विकार होगा वो होगा। तो फ्रेंड जया हो गया भाषा और संप्रेषण का विकार, लेकिन अगर फ्रेंड जिया हो जाएगा तो उसमें हम रखेंगे कि फ्रेंड जिया थोड़ा ज्यादा झगड़ालू है, तो उसको हम रखेंगे कि ये मस्तिष्क में क्षति के कारण जो है उसमें विकार उत्पन्न होगा भाषा संप्रेषण में। तो सिर्फ भाषा संप्रेषण का मौखिक विचार रहेगा तो फ्रेंड जया, और रहेगा कि अगर मस्तिष्क में चोट लग गया है या मस्तिष्क में कुछ त्रुटि आ गया है तो उसके कारण जो भाषा संप्रेषण में समस्या रहेगा या विकार रहेगा तो उसको हम लोग फ्रेंड जिया से समझ में आ गए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्रेंड जया माने अफेजिया का मतलब है कि फ्रेंड जया तो भाषा और संप्रेषण में विकार, और इसके बाद डिसफेजिया का मतलब है कि फ्रेंड जिया, तो फ्रेंड जिया का मतलब है कि ज्यादा झगड़ालू है तो इसीलिए इसको मानसिक में विकार आ गया है, इसलिए झगड़ालू है और भाषा संप्रेषण। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फ्रेंड जिया का मतलब हो गया मस्ती में क्षति कारण भाषा और संप्रेषण में विकार, और फ्रेंड जया का मतलब हो गया कि भाषा और संप्रेषण में विकार। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, दिमाग में रखना है। तो फ्रेंड जिया होगा मानसिक रूप से जब मस्तिष्क में चोट लगेगा तो होगा विकार, और इसमें है बिना मस्तिष्क में ऐसा ही सिंपल हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम पठन अक्षमता, यानी पढ़ाई पढ़न के कारण में या पढ़ने के कारण में जो अक्षमता है, जो अयोग्यता है, उसके हम चर्चा कर रहे हैं। अलेक्सिया, तो ये हम इतना वर्ड को निकाल लेते हैं, तो ये लेक्सिया हो गया और ये भी लेक्सिया हो गया। तो ये दिमाग में आएगा कि लेक्सिया लेक्सिया हो गया, इसका मतलब है कि लिटरेचर माने पठन वाला, यानी साहित्यिक रूप से लिटरेचर, तो लेक्सिया से लिटरेचर हो गया, लिटरेचर हो गया। अब अलेक्सिया रहेगा तो ये पठन संबंधी जो है ये मस्तिष्क में किसी प्रकार से चोट लग जाएगा, क्षति हो जाएगा, तब ये विकार उत्पन्न होगा। तो अलेक्सिया, तो लेक्सिया याद रखें, और दोनों लेक्सिया से हम लोग समझेंगे कि लेक्सिया दोनों में लगा हुआ है, इसके मतलब पठन से संबंधित है, लेकिन अलेक्सिया रहेगा तो अलेक्सिया को हम लोग क्या रखेंगे, यह अलेक्सिया जो है जब मस्तिष्क में किसी प्रकार से क्षति हो जाएगा और उसको पढ़ने में समस्या है, तब हम इसको दिमाग में रखेंगे कि अलेक्सिया है। लेकिन डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया का मतलब है कि ये पढ़ने या पठन करने में इसको समस्या है। तो डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, डिफर, तो डिफर का मतलब क्या होता है, अंतर। यानी अगर कोई भी चीज पढ़ रहा है, अगर हम लोग सा लिखें और उसको कोई आदमी उल्टा करके विभेदन करके वज पढ़ रहा या डब्ल्यू एस वज पढ़ रहा, तो ये समझिए कि आपको डिलेक्सिया हो गया। तो लेक्सिया मतलब पठन से संबंधित हो गया, अलेक्सिया हो गया तो पढ़ने में विकार उत्पन्न हो गया मस्तिष्क में क्षति के कारण, लेकिन अगर डिसलेक्सिया हो गया तो डिस से डिफर दिमाग में रखना है। तो डिफर का मतलब है कि वो उलट पलट के सबको पढ़ता है, ऐसा विकार है कि उलट पलट, अब हम सा लिखे तो वो बाज पढ़ रहा है। तो इस तरह से ये जो समस्या होगा ये हो गया। तो डिलेक्सिया मैंने डिफर वाला समस्या, यानी सबको उलट फिर कर करके,
अलेक्सिया यानी पांडे में समस्या, यानी उसको किसी तरह से आघात आ गया है, यानी मस्तिष्क में आघात आ गया तो अलेक्सिया। और डिसलेक्सिया का मतलब हो गया कि अगर उसको डिफर करके उल्टा सीधा करके अगर पढ़ने में जो समस्या आ गया तब वो हम लोग डिसलेक्सिया समझ गए। तो डिसलेक्सिया में समझ गया शब्द को आगे पीछे करके विभेदन करके वो विकार हो गया। अलेक्सिया का मतलब हो गया कि आहत वाला, आहत माने चोट, आहत का मतलब चोट। तो हम लोग आप कहीं भी देखेंगे अलेक्सिया तो दिमाग को आहत वाला विकार है, पठन में वैसा समस्या जिसे आहत आ गया है। और डिसलेक्सिया का मतलब हो गया कि वैसा पठन विकार जिसमें अक्षर को विभेदन करने में या अलग करने में नहीं समझ पा रहा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद लेखन अक्षमता, यानी लेखन में क्या है, राइटिंग में क्या है। तो डिसग्राफिया, ग्राफिया का मतलब होता है, ग्राफ का मतलब होता है लिखना। तो ग्राफिया का मतलब हम लोग लिखना दिमाग में रखेंगे, यानी जहां भी डिसग्राफिया देखे तो समझिए कि लिखन या लेखन से संबंधित विकार है। तो इसको रटने की जरूरत नहीं, खाली ग्राफिया हमको दिमाग में रखना है। ग्राफिया देखे तो लेखन वाला समझो, तो डिसग्राफिया हो गया। अब ये गणना संबंधित, तो गणना का मतलब हो गया काउंटिंग, और काउंटिंग का मतलब कैलकुलेटर। तो ये जब गणना संबंधित आपको हो गया तो इसको याद कैसे रखेंगे, डिसकैलकुलेटिया। तो ये कैलकुलस आप पढ़े होंगे, तो कैलकुलस कैलकुलेटर, तो कैलकुलेट का मतलब होता है कैलकुलेट मैंने गणना होता है। तो डिसकैलकुलिया हो गया, इसका मतलब कि गणना संबंधित है, यानी गणित से समझने में जिसका समस्या है या गणित को समझने में अक्षमता है तो वो डिसकैलकुलिया हो गया, डिसकैलकुलिया। तो कैलकुलेट मैंने कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब गणना। ये कहीं भी आप देखिएगा डिसकैलकुलिया, कैलकुलेट देखिएगा, गणना वाला विकार आप लोग चुनिएगा या काउंटिंग करने वाला चुनिएगा। इसमें डिसलेक्सिया में न्यूक्लेक्सिया होता है और लेक्सिसक्लेसियस होता है, वर्बल होता है और प्रोटोगेनेटिस होता है। तो ये सब है। तो न्यूमेरो का मतलब नंबर वाला हो गया, अलेक्सी का मतलब लेटर हो गया, ये भर वाला हो गया, अक्षर को इधर उधर करके जो ये मनी कोई भी नंबर को इधर उधर करके जो प्रॉब्लम हो गया, और प्रोटिया हो गया तो ये देख के समझने वाला हो गया, जो देख के नहीं समझ पाता अक्षर को उसको बारे में है। हम आगे चलते हैं तनाव। अब इसमें तनाव कहा डिस्थीमिया, तो थीमिया जो हो गया ये थिंक से बना है, थिंक टी एच आई एंग थिंक, तो थिंक का मतलब सोचना, और सोचने से क्या होगा, ज्यादा आप सोचिएगा तो गंभीर जो है तनाव उत्पन्न होगा। तो डिस्थीमिया यानी थीमिया का मतलब थिक, और थिक माने सोचना यानी गंभीर टेंशन वाला। जब भी कोई आदमी ज्यादा सोचता है तो उसको गंभीर टेंशन रहता है। तो हम लोग डिस्थीमिया को हम लोग दिमाग में क्या रखेंगे कि डिस्थीमिया जहीं भी देखेंगे तो हम लोग गंभीर तनाव वाला जो अवस्था है उसको हम विकार को चुनेंगे। व्यक्ति को मना स्थिति बदलती रहती है, निम्न रहेगा। तो डिस्थीमिया का मतलब थिंक, थीमिया मैंने थिंक आ गया, और थिंक वाला गंभीर तनाव आ गया। तो गंभीर तनाव और गंभीर तनाव रहेगा तो व्यक्ति का जो सोच रहेगा मना स्थिति वो निम्न रहेगा, तो ये विकार हो गया। अब आप लोग हम लोग भ्रम वाला स्थिति देख रहे हैं, तो डिसमोरिया, तो ये जो मोरिया है डिसमोरिया, ये डीमो है। तो देखिये तो ये जो डीमो है डिसमो, तो डीमो का मतलब होता है कि अगर कोई भी आदमी को डीमो देते हैं तो वो कभी कभी भ्रम ग्रसित हो जाता है। तो डीमो का मतलब, डिमोरिया का मतलब हो गया, तो डिसमो, डिसमो मतलब आप याद रखिएगा भ्रम, डीमो मतलब भ्रम होता ही है, जिसको डीमो दिया भ्रम हो गया। तो डिसमोरिया का मतलब भ्रम की स्थिति में उत्पन्न होने वाला, तो ये हमको दिमाग में रखना है। तो ये डिसमोरिया हो गया। अब इसके बाद ये भ्रम वाला स्थिति हो गया और ये डिसमोरिया हो गया। तो डिसमोरिया का मतलब कह रहा है कि अपने शरीर की तुलना दूसरे के से करने लगना, यानी किसी को शरीर के देखे उसका शरीर छोटा है उससे तुलना कर लेगा, किसी का लंबाई ज्यादा है तो उससे देख करके तुलना करेगा। तो ये विकार है, ये जो क्षमता है ये डिसमोरिया हो गया। तो ये देखिए डिसमोरिया हो गया, तो ये जो मोरिया हो गया, तो मोरिया आप लोग देखोगे खेती वगैरह हम लोग करते हैं, तो ये मोरी जो है ये एक आदमी मोरी दूसरा के मोरी से कंपेरिजन करता है, यानी देखता है कि उसका मोरी कौन है। तो हम लोग ये दिमाग में रखेंगे कि जब भी डिसमोरिया देखेंगे तो मोरी से हम लोग दिमाग में रखेंगे कि मोरिया जो है किसी से कंपेरिजन कर रहा बगल वाला से। तो वो आदमी भी है जिस तरह से कोई भी खेती कृषक आदमी कंपेरिजन करता है, तुलना करता है बगल वाला मोरी से, तो उसी तरह से धान वाला मोरी हो गया, इसको दिमाग रखेंगे। तो डिसमोरिया का मतलब है कि वो भी आदमी अपने बगल में जो खड़ा रहेगा या जिसको देखेगा उससे लंबाई या चौड़ाई का जो है वो तुलना करेगा। इस तरह से इसमें हो गया। अब हम लोग भ्रम वाला देख लिए, तो भ्रम का स्थिति कब उत्पन्न होगा, डिसमोरिया से। मोरी का मतलब हम बता दिए खेती करने वाला,
मौर्या अगर बगल देखता है तो लोग कंपेरिजन करता है, तुलना करता है। उसी तरह से आदमी जब विस्मर्या से रहेगा, अक्षमता या विकार वाला, तो वो आदमी दूसरा को देख करके वो तुलना करेगा कि लंबाई कम है कि चौड़ाई कम है कि मोटाई कम है। तो ये हो गया अपने शरीर को तुलना दूसरे लोगों से करना। अब गति संबंधित विकार, तो गति संबंधित विकार में हमको दो तरह के पढ़ना है, अप्रेक्षिया और डिस्प्रेक्षिया। तो अप्रेक्षिया, तो अप्रेक्षिया को हम लोग प्रेक्ष याद रखते हैं। तो अप्रेक्ष का मतलब सीधा सीधे को हम इसमें विचार रखते हैं कि एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस हो गया तो इसको हम खाली आ कर देते हैं, तो अप्रेक्ष हो गया। तो एक्सप्रेस अप्रेक्ष दोनों मिलता जुलता वर्ड है, थोड़ा सा डिफर है, इसको समझने के लिए कि हम समझेंगे। तो आप देखिए कि अप्रेक्ष हो गया यानी एक्सप्रेस हो गया, आपको एक कर दिए तो ये एक्सप्रेस हो गया एक्सप्रेस। तो एप्रेक्स हो गया, तो एक्सप्रेस जब हम लोग चलाते हैं कोई भी चीज, वाहन को ढांकते हैं, गति करते हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं यानी गति कर रहे हैं किसी चीज को। तो जब हम लोग हाथ से गति करते हैं तो वो समझे कि मांसपेशी इसमें काम करता है। तो ये हमारा क्या हो गया अप्रेक्ष, अप्रेक्षिया यानी एप्रेक्स चलेंगे एक्सप्रेस। तो ये हमारा जो है कोई भी जो है कंट्रोलिंग हाथ से करेंगे यानी मांसपेशिया से करेंगे। तो हमको दिमाग में आ गया कि जब भी अप्रेक्षिया रहेगा तो मांसपेशिया के संचालन में संबंध या सूक्ष्म गति कौशल रहेगा, नहीं मांसपेशिया के कारण सूक्ष्म गति कौशल में जो विकार उत्पन्न होगा तो वो अप्रेक्षिया होगा यानी एक्सप्रेस होगा। और डिस्प्रेक्स हो गया, तो डिस्प्रेक्स यानी डिस्प्रेक्स मैंने डी एक्सप्रेस, तो डी एक्सप्रेस जो हो गया वो हम लोग डिस्प्रेस करते हैं, तो ब्रेक रोक मारने के लिए हम लोग पैर से करते हैं। तो डिस्प्रेस का मतलब तंत्रिका यानी पैर वाला तंत्रिका से काम किए तो वो सूक्ष्म गति का कौशल तंत्रिका संबंधित विकार। यानी डिस्प्रेस का मतलब पैर से हम लोग ब्रेक मारे, यानी कहने का मतलब है कि तंत्रिका से हम लोग कंट्रोल किए तो वो तंत्रिका वाला विकार रहेगा अगर सूक्ष्म गति, तो हमारा डिस्प्रेस हो गया। और हमको अगर अप्रेक्षिया रहेगा तो समझे कि मानसिक वाला हो गया, तो मांसपेशिया वाला हो गया तो ये अप्रेक्षिया हो गया, और ये डिस्प्रेक्षिया हो गया तो ये जो हमारा होगा सूक्ष्म गति कौशल तंत्रिका वाला हो गया। इस तरह से अगर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, और न्यूमलेक्सिया हो गया तो नंबर से संबंधित होगा, लेक्सिया लेटर से संबंधित होगा, भरबल हो गया तो ये हमारा अलट पलट के जो लिखे हम लोग वो काउंटिंग उससे हो गया और प्रोग्नोस्टिक हो गया। अब हमको डिस्थीमिया, तो थीमिया का मतलब थिंक बताए, तो थिंक मैंने सोचना यानी गंभीर तनाव से हो गया थिंक वाला, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद हम लोग डिसमोरिया, तो मोरिया का बताए, मोरिया का मतलब आप लोग देखेंगे बगल में जब खेती उती करता है तो मोरी बनू तो कंपेयर करता है दूसरा के खेती से कंपेयर करेगा मोरी से, तो इससे डिसमोरिया का मतलब हो गया कि आदमी अगर बगल में देख करके उससे तुलना करे कि हमारा लंबाई कितना, उसका कितना लंबाई, कितना मोटाई है, तो यानी आदमी अपना शरीर को दूसरे शरीर को देख, दूसरा आदमी को देख करके तुलना करेगा तो डिसमोरिया हो गया। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अप्रेक्षिया, तो अप्रेक्षिया में हम बताए थे कि ये एक्सप्रेस याद रखिए, जब आदमी पूरा एक्सप्रेस चलाएगा तो मांसपेशिया से पूरा कंट्रोल करेगा। और डिसएक्सप्रेस, तो डिस्प्रेस का मतलब है कि जब डिस ब्रेक मारेंगे तो पैर से मारेंगे तो तंत्रिका से करेंगे, तो डिस्प्रेक जब भी रहेगा तो डिस्प्रेक्षा तंत्रिका से संबंधित जो रहेगा सूक्ष्म गति वाला विकार रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा तो मांसपेशी से रहेगा। इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम वही भी करते हैं कि पूरा समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई इसमें समस्या है या कोई दिक्कत है या नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम और इससे अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। Thank you.